खुंजा की सड़कों को बना दिया गया और ये सब कुछ आवाम की वजह से मुमकिन हो सका। खुंजा के रहायशी लोगों को 9,80,00,000 रुपए की अदायगी कर दी गई। खुंजा की अदायगी गुज़श्ता सालों से चली आ रही थी। खुंजा की आवाम हमारे साथ तआमुल करती है। खुंजा के एसी इकबाल जान ने कहा कि यहाँ के आवाम महकमों से तआमुल करती है। खुंजा राजा शहबाज खान पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि NHA ने हमारी सड़कों को बनाया, इससे सियाहत में इजाफा हुआ। खुंजा पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई साहब, आप एक सियासी समाजी शख्सियत हैं, आपकी वजह से भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, आप क्या कहिए इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब GM और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और बिलखसूस हमारे हुकूमत के नुमाइंदे जो है, हम सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें पाक फ़ौज का भी किरदार है। इसमें स्पेशली मुझे टास्क दिया था मेरे चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब, उस अगर जिक्र न किया जाए तो ज्यादा होगा, तो हमने उसके साथ मिल के, लेकिन बाकी एज ए यानी एक मैं पार्टी का एक वर्कर भी हूँ और सीनियर रहनुमा भी हूँ, उस हिसाब से हमने इस पर काम किया। तो पहले ये था कि पहला किस्त भी हमने 2015 में इनको दिलाया था, वो भी मैंने खुद ये 9 महीना फाइन चलाया इस्लामाबाद में शुरू से आखिर तक। तो मैंने ये सवाल किया, एफ्टाबाद का जब शुरू हुआ तो उनका काम शुरू होने से पहले उनको दिया गया, और हमें जब जिस तरह ऐसे साहब ने कहा उस वक्त राहिल साहब, उनका ताल्लुक भी एफ्टाबाद से था, अभी रिटायर हो गए हैं। भारत अगर मैं इन सब का शुक्रिया अदा न करूँ ज़्यादा होगी। स्पेशली अताबाद चीफ मुजम्मिल साहब, जनरल मुजम्मिल साहब आए थे, उनके साथ हमारा GM साहब थे और हमारा साबिका चीफ सेक्रेटरी अखरम आगा साहब। तो स्पेशली हमने उनके सामने अताबाद जेल में रिक्वेस्ट की, तो जब मैं इस विंटर्स में उनके पास चला गया, स्पेशली मैं और GM साहब, तो हमने कहा कि आपने तो GM अताबाद जेल का हमारे साथ वादा किया था एज ए चीफ सेक्रेटरी, अब आप खुद चेयरमैन हैं। तो फिर मजबूरन उसने अपने स्वाबगीदी फंड से हमें ये रिलीज़ कर दिया। हम स्पेशली चीफ साबिका चीफ सेक्रेटरी और मौजूदा जो चेयरमैन है फोरम आगा साहब, उनका NHA है, उनका स्पेशली मैं अपनी जानिब से और अपने कम्युनिटी की जानिब से AC साहब, DC साहब के खसूस फयाज साहब सबका, और इवन होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी जितने भी है उन्होंने हमसे ताउन किया है। खैर, इसके बाद हमारे वो एक थोड़ा सा पैसे रहता रायकोट खुंजरा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी इसमें महीने तक वो भी ये जब डिस्पर्स हो जाएगा आज क्लियर, तो उसके बाद वो भी महीने के अंदर इंशाल्लाह एक साहब लगे हुए, GM साहब लगे हुए, वो भी उनको पेमेंट हो जाएगा। तो बहरा फिर भी मैं अपनी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और जितने भी महकमे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली खालिद खुर्शीद साहब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और अपना गवर्नर राज जलाल साहब का, तो क्योंकि एक दो जगह में मैं तो चलता रहा, आखिरी में जब मुराद सईद साहब के पास जाना हुआ तो मेरे साथ स्पेशली अपना खालिद खुर्शीद साहब ने साथ ले जाकर मुराद सईद से अप्रूवल कराया, और उसके बाद हमारा ये तकरीबन ये चीज़ अभी क्लोज हो गया। तो हमें कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ हमें रायकोट खुंजराब जो खैबर रायकोट खुंजराब है, इनको जल्द अज जल्द अगर दिया तो ताकि पुरामन तरीके से ये गुजर जाए, ताकि कोई वायलेशन ना हो, और ये बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए हम फिर भी ऐसे साहब के नोटिस में भी लाते हैं, हमारे साथियों ने भी किया, रेहान शाह साहब भी वो कमेटी में थे, अभी जो बकाया वो है इसमें सखी साहब भी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो टाइम दिया उस टाइम पे ज़रूर ये वो करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे। खरी मेरवा के इलाके इस्तियारों में गरी और पूरी सुन्नत की 9वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें पूरे सिंध के दीवान बरादरी ने शिरकत की। बरसी की तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत करके पूजा पाठ की। बरसी की तकरीब में महफिल मौसीकी और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। इस मौका पर ऐसर मिल, पोरान मिल, जाड़ो मिल और दिगर ने कहा कि हम बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम अनथाई किए गए थे।